My name is Jadden, you are watching Jadden Sports. So let's get started with the wasting any more time. हम बात करने वाले हैं कि Ethereum Classic में buy करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, मैंने कितने buy किए हैं अभी का with the proof बात करने वाले हैं. बट उससे पहले डैम श्योर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा हो, हिट द बेल आइकन ताकि फ्यूचर में आने वाली क्रिप्टो से रिलेटेड कोई भी न्यूज हो कभी भी मिस नहीं कर पाए. जहां पर देख सकते हैं जो एक ईयर का लो है इसका 344 रुपए इसने बनाया है, तकरीबन देख सकते हैं 344 रुपए से 12953 अर्थात लगभग देख सकते हैं 13000 रुपए तक गया है 350 रुपए से. और अभी लगभग यहां पर देख सकते हैं 2.5% का हमें लो देखने को इसमें मिल रहा है. आज का मार्केट का जो रैंक है अभी 20 पर चल रहा है और जो वॉचलिस्ट है अभी हमारी 255,969 के तकरीबन चल रही है, 4552 पर इसका प्राइस है अभी चल रहा है. इंट्राडे के लिए बहुत ज़्यादा शानदार कॉइन है इसलिए मैंने अभी लिया है. उसके भी बारे में बात करेंगे क्यों लिया है. मेरा मेन रीजन है कि भैया अभी तक बहुत 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 तगड़ा लॉस में चल रहा है और इथेरियम आने वाला मेरे हिसाब से बहुत तगड़ा बिटकॉइन को टक्कर देने वाला कॉइन है. ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि भैया बिटकॉइन से ऊपर निकल जाएगा, ये मैं कहता ही नहीं कभी. लेकिन एक कॉइन होता है ना कि भैया बिटकॉइन के बाद में जो दूसरा वजीर है, जैसे बिटकॉइन अगर राजा हुआ तो इथेरियम हमारा वजीर है और इथेरियम से नीचे जो इथेरियम क्लासिक है वो ही इसका भाई है, तो भैया वो तो आसानी से बढ़ेगा ही बढ़ेगा. और जब इथेरियम 2.0 की बातें जो चल रही है उसके दरमियान इथेरियम क्लासिक के बढ़ने की संभावनाएं और भी ज़्यादा हो जाती है. अभी देख सकते हैं मार्केट बहुत तगड़ा इसका घेरा हुआ है इसीलिए मैंने इसको बाय किया है. नीचे देख सकते हैं जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है 16% लोग इसको और सेल कर रहे हैं. जितना ज़्यादा लोग सेलिंग कर रहे हैं प्राइस और नीचे जाएगा, प्राइस नीचे जाएगा तो हमें बहुत तगड़ी यहाँ पर डिप खरीदने को मिलती है. मार्केट जो डोमिनेंस है 0.40% है और इसका जो देख सकते हैं ऑल द टाइम लो 33.27 था 5 साल पहले और देख सकते हैं वह चीज़ ही 12953 रुपये गई है. 13698% का रिटर्न दिया है और इथेरियम क्लासिक का रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है 8183%. सर्कुलेटिंग सप्लाई मात्र 12,95,07,150 है जो बहुत 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 ज़्यादा कम है. इसके बारे में बात की जाए कि मैंने यहाँ पर कितने बाय किए हैं तो वह भी आपको बता देता हूँ. इथेरियम क्लासिक यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, ETH यहाँ पर आ गया, ETC लिखा गया है. इथेरियम क्लासिक 61.97 इसका भाव चल रहा है और हाईएस्ट गया है आज का 64.50. सेलिंग पर मैं बता देता हूँ मैंने लगाया है 64 का और 14.48 मैंने क्वांटिटी लिया है अभी का ही, वो भी आपको बताता हूँ. ऑर्डर हिस्ट्री यह रहा इथेरियम क्लासिक USDT में 896 मतलब $900 के तकरीबन मैंने लिए हैं. डेट है देख सकते हैं 2021 आठवां महीना और 30 तारीख है जो आज तारीख है 9:18:43 और अभी आया वीडियो शूट हो रही है 9:24 पर. प्राइस था इसका 61.80 पर और अमाउंट था 14.50. फीस वगैरह वगैरह कुछ लिखा है, रोल है टेकर वगैरह और मैंने इसको बाय सेल करने का वापस लगा दिया. $900 का तकरीबन लगाया और वापस अब इसको मैं सेल करूंगा तो मेरे को लगभग $20-30 का यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिलेगा. मैं नॉर्मल सा बहुत 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 कम यहाँ पर प्रॉफिट निकालता हूँ. देख सकते हैं $62 पर तो ये आ चुका है, जैसे $64 टच होगा मेरा आज का पोर्टफोलियो यहाँ पर बराबर हो जाएगा कि भैया मेरे को अब से ज़्यादा और कमाने नहीं है. तो अगर आपको बाय करना है तो आई थिंक सो यह एकदम स्ट्रॉन्ग रीज़न है भैया बाय करने के लिए. हालांकि ठीक है मार्केट और डंप भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं लेता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए भैया कि भैया आज ले लिए और जैसे मान लीजिए आज गया ही नहीं, कल ही नहीं गया, परसों ही नहीं गया, तो भैया उसके अगले दिन तो जाएगा ना, तब मैं सेल कर दूंगा. मेरा वैसा कोई भी नहीं है कि भैया आज खरीद लिया कल सो बेच रही है. लॉस तो कभी एक रुपया का भी नहीं खाया क्रिप्टो करेंसी में, आज तक क्रिप्टो करेंसी में एक रुपये का भी लॉस नहीं खाया. मेन केवल एक रीजन की वजह से केवल एक ही रूल फॉलो करता हूँ कि भैया लॉस में बेचना ही नहीं है, भले ही पड़ा रहे वो मेरे डूब जाए, लॉस में तो बेचना ही नहीं है, जब निकलेगा तो निकाल लेंगे. इस प्रकार से मेरे को अभी तक तो कोई भी लॉस हुआ नहीं है और आगे देखेंगे. तो वीडियो अगर पसंद आया हो इथेरियम क्लासिक जिन्होंने बाय किया, एक बार मैंने पहले भी बाय करवाया था जब बहुत ज़्यादा कम रेट में चल रहा था उस टाइम भी मैंने बाय करवाया था और उसके बाद में जिन्होंने भी होल्ड करके रखा है या बेचा है दोनों को ही तगड़ा प्रॉफिट यहाँ पर निकल के मिला है. और वीडियो अगर पसंद आया हो, अगर आपको माइनिंग का साइट जानना है, यह देख सकते हैं मैंने स्क्रीनशॉट लेकर रखा है जहां पर मेरे अकाउंट में $520 हुए थे एक दिन में. उसके बाद में सेकंड हुए थे $3,009, तीसरे अकाउंट में हुए थे यहां पर देख सकते हैं $346, उसके बाद में $245 और $520. ये एक दिन की अर्निंग है तो सोच सकते हैं माइनिंग की साइड से मैं कितना ज़्यादा विड्रॉ कर रहा हूं. जाकर उस साइड को चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, दोनों लिंक जरूर चेक कीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल होने वाली है आपके फ्यूचर के लिए. तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. जय हिंद, जय भारत.